हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम है संभवतः आपका अक्टूबर माह में व्यापम के माध्यम से कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम लेक्चर की बात करें तो अभी तक हम लोग 17 लेक्चर ले चुके हैं। जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू को सॉल्व किए थे, और आज का हमारा जो लेक्चर है आपका 18 नंबर का लेक्चर है। इसमें आज हम हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी हमारे एमसीक्यू रहते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी ना कभी किसी भी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे आपके डेली क्विज पोल डाले जाते हैं। जो भी आपका पीडीएफ नोट्स होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में जो भी आपके पैरामेडिकल संबंधित नोटिफिकेशन होता है वहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। तो आपके एग्जाम ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और जो भी दोस्त आपके एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके अदर स्टेट की लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि यूटेराइन कैंसर इज डायग्नोस्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ, यानी कि अगर आप यूटेराइन कैंसर को डायग्नोज करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसका स्टडी करेंगे, वेजाइनल सिक्रीशन या फिर ब्रेस्ट का सिक्रीशन, या फिर आप यूरिन का सिक्रीशन स्टडी करेंगे, या फिर आप गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें अगर आप यहाँ पे यूटेराइन कैंसर का स्टडी करना चाहते हैं, डायग्नोज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे वेजाइनल सिक्रीशन को लेना होगा। इसका आपको फिजिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना होगा। तो आपका जो सही आंसर जाएगा ये आपका यहाँ पे ए वाला जाएगा, वेजाइनल सिक्रीशन। फ्रेंड्स, अगर हम ब्रेस्ट सिक्रीशन की बात करें तो ब्रेस्ट सिक्रीशन के द्वारा ब्रेस्ट के डिजीज यानी कि आप ब्रेस्ट कैंसर को भी यहाँ पे डायग्नोज कर सकते हैं। इसके द्वारा जो आपका निप्पल सिक्रीशन होता है उसके द्वारा डायग्नोशन कर सकते हैं, और आपके जो नोट्स होते हैं उनके जो फ्लूड निकलते हैं उसके द्वारा भी यहाँ पे आप डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूरिन की तो यूरिन के द्वारा आप किडनी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा यहाँ पे जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, डाइजेशन सिस्टम, उसके डिजीज को यहाँ पे आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था यूटेराइन कैंसर को डायग्नोज करना होगा तो आप क्या लेंगे, तो यहाँ पे आप वेजाइनल सिक्रीशन को लेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीरस फ्लूस कंसिस्ट ऑफ, यानी कि आपका जो सीरस फ्लूस होता है या क्या कंसिस्ट करता है, एग्जुडेट्स, पेरिटोनियल फ्लूड, पिलुलर फ्लूड, या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि आपका ये जो सीरस फ्लूट होता है ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सीरस की फ्लूड की बात करें तो ये सीरम के जैसा ही फ्लूड होता है जिसमें आपका अधिकतर भाग वाटर होता है, और साथ साथ में यहाँ पे प्रोटीन होता है, और इसका जो कलर की बात की तो आपका ये येलो कलर का होता है, इसीलिए इसको सीरम के जैसे फ्लूड कहते हैं। तो जो आपके सीरस फ्लूड होते हैं इसमें आपके जितने भी सीरम के जैसे फ्लूड आपके बॉडी में पाए जाते हैं जो कि बॉडी कैविटी में विद्यमान होते हैं उन्हीं को कहते हैं। जैसे अगर बात करें पेरिटोनियल फ्लूड, पिलुलर फ्लूड, एग्जुडेट, ये सब आपके सीरस फ्लूड के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप पेरिटोनियल और पिलुलर फ्लूड से पहले से जानते होंगे, बट यहाँ पे अगर बात करें एग्जुडेट की तो एग्जुडेट क्या होता है तो आप समझ लीजिए कि जो आपके वेसल्स होते हैं, वेसल्स में अगर ब्लड आपके बह रहे होते हैं तो वहाँ से कुछ सिक्रीशन होने लगता है लिक्विड पदार्थ का, तो इसी को क्या कहते हैं, एग्जुडेट कहते हैं। जब आपको कभी चोट लग जाती है तो ये एग्जुडेट आपके बाहर निकलते हैं, और साथ साथ में ये कभी कभी पस यानी कि मवाद का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि लंग कैंसर इज डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ, यानी कि अगर आप लंग्स कैंसर को डायग्नोज करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार के सैंपल का सहायता लेंगे, स्पुटम सैंपल का, यूरिन स्पेसिमेन का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पेसिमेन का, या फिर आप सलाइवा का लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों के साथ हम यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं करेंगे, आपका जो स्पुटम सैंपल होता है या फिर स्पेसिमेन होता है इसके द्वारा हम लंग्स कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, लंग्स कैंसर को देखने के लिए मुख्यतः आपको स्पुटम की ही आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा स्पुटम से रिलेटेड है, ये कह रहा है कि स्पुटम इज प्रिजर्व्ड इन, यानी कि आपका जो स्पुटम है इसको अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से इसका डायग्नोसिस कर पाएँ, तो यहाँ पे आपको इनमें प्रिजर्वेटिव कौन सा उपयोग करेंगे, 70% एल्कोहल का, या फिर 80% एल्कोहल का, या फिर 90% एल्कोहल का, या फिर 100% एल्कोहल का। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पुटम को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे 70% एल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे स्पुटम का क्लास नहीं लिए हमारा तो जाके ले लीजिए, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल स्पुटम एग्जामिनेशन का क्लास लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ एंजाइम सच एज फॉस्फेटेज एंड लिपिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्सेटिव इज, यानी अगर
फास्फेटेज और लेपेज को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन से फिक्सेटिव का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो ग्लेशियल एस्टिक एसिड, एसीटोन, मेथिल एल्कोहल या फिर ऑफियम टेट्राऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप फास्फेट और लेपेज को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसीटोन लेना होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि डायरेक्ट स्मेयर इज मेड फ्रॉम व्हिच स्पेसिमेन फॉर साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। यानी अगर आप यहाँ पे साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्मेयर में से किसका बनाएंगे, सर्वाइकल स्पेसिमेन का, स्पाइनल फ्लूइड का, ब्रेस्ट सिक्रीशन का या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए कि डायरेक्ट स्मेयर और इनडायरेक्ट स्मेयर होता क्या है। तो अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट स्मेयर की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आप सैंपल को कलेक्ट करिए और तुरंत ही उसका क्या करिए, एक स्मेयर बना दीजिए। तो आपका किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट स्मेयर के अंतर्गत आता है। इसमें आपके जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है। इसमें सेलुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, पहले आप यहाँ पे इसका कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे साइटोसेंट्रीफ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, साइटोसेंट्रीफ्यूज करेंगे। साइटोसेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका आप स्मेयर बना सकते हैं, तो आपके ये इनडायरेक्ट स्मेयर के अंतर्गत आता है। इनडायरेक्ट स्मेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें जो सेलुलर कंपोनेंट होता है क्या होता है, कम मात्रा में होता है, इसीलिए इसका स्मेयर तुरंत बन नहीं पाता है, ठीक है। तो जो आप साइटोसेंट्रीफ्यूज के बाद जो आपका नीचे वाला पार्ट रहता है उसका यहाँ पे क्या करते हैं, स्मेयर बना लेते हैं, तो इसको आप इनडायरेक्ट स्मेयर के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट स्मेयर मतलब कि आप तुरंत उसको बना लेंगे कलेक्शन करने के बाद, इसमें आपका सेलुलर कंपोनेंट क्या होता है, अधिक होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं किन किन में, किन किन स्पेसिमेन में आपका डायरेक्ट स्मेयर बनता है। तो आपका दिया हुआ है ऑप्शन सर्वाइकल स्मेयर, तो सर्वाइकल स्मेयर का हम तुरंत स्मेयर बना लेते हैं। स्पाइनल फ्लूइड इसका भी हम तुरंत बना लेते हैं। ब्रिट सिक्रीशन इसका भी हम लोग बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ऑल ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है डॉट डॉट इन द प्रॉपर्टी ऑफ गुड माउंटिंग मीडिया। ये आपका हिस्टोलॉजी का प्रश्न है या फिर आप साथ साथ इसको साइटोलॉजी का भी समझ सकते हैं कहीं कहीं पे। ये कह रहा है कि आपका जो माउंटिंग मीडिया होता है इसका गुड प्रॉपर्टी क्या होता है, हम कैसे समझें कि हमारा जो माउंटिंग मीडिया है ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारे दिए हैं, डड नॉट चेंज पीएच, मस्ट हैव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लोज टू ग्लास, नॉट टू लीक आउट एनी स्टेन, ऑल ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल ऑप्शन जाएगा। हम आपको इसको समझा देते हैं कैसे। ये कह रहा है कि आपका जो माउंटिंग मीडिया होता है ये कैसा होना चाहिए कि ये गुड प्रॉपर्टी को शो करे। तो मान लीजिए आपका ये स्लाइड यहाँ पे बन गया है, ठीक है। स्लाइड में थोड़ी बड़ी हो गई, इसको हम थोड़ा सा पतला करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये स्लाइड बन गया, यहाँ पे आपका स्मेयर था, ठीक है। यहाँ पे आपका स्मेयर लगा हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, माउंटिंग करना है ताकि आपका ये जो स्मेयर है, स्पेसिमेन है, यहाँ पे अच्छी तरीके से सुरक्षित हो जाए। तो इसके लिए अगर आप कोई भी माउंटिंग मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो क्या हो, ये इसका जो पीएच है वो चेंज ना हो, ठीक है। हमारे सैंपल का भी पीएच चेंज ना कर पाए, और जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ये भी क्या रहे, आपके जो ग्लास है ये ग्लास है इसके क्या रहे, क्लोज रहे, और इनमें से जो भी आप स्टेनिंग डाले हुए हैं ये क्या हो, आउट लीक ना होने लगे। तो यही हमारे गुड प्रॉपर्टी हो जाती है आपके माउंटिंग मीडिया की। तो ऑप्शन नंबर हमने बताया कि इसका क्या सही जाएगा, ऑल ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो हमारा एमसीक्यू लेक्चर था उसमें भी हमने यहाँ पे शामिल किया था, और एक बार यहाँ पे आप आज फिर मिल गया, ठीक है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, व्हिच एडहेसिव एजेंट यूज फॉर द वाटरी स्पेसिमेन। यानी कि आपका जो एडहेसिव रिएजेंट होता है इसमें से कौन सा है जो कि वाटरी स्पेसिमेन को एडहेसिव करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एडहेसिव रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब आप माइक्रोटोमी कर रहे होते हैं, ठीक है। माइक्रोटोमी के बाद आप क्या करते हैं, जो आपका वाटर बाथ होता है उस पर क्या करते हैं, जो भी आपका यहाँ पे स्लाइड से जो निकलता है, सॉरी माइक्रोटोम से जो भी आपका स्पेसिमेन निकलता है उसको स्लाइड पे रखते हैं और वाटर बाथ में रख देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपका जो बैग से वहाँ पे क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप उसको रखते हैं तो कुछ ऐसे भी आपके जो सस्पेंशन होते हैं जो आपके फिसल जाते हैं, सड़क जाते हैं, तो उसी चीज़ को एडहेसिव करने के लिए, चिपकाने के लिए, पकड़ने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए स्लाइड और स्पेसिमेन को क्या किया जाता है, एडहेसिव रिएजेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा कि वाटरी स्पेसिमेन के लिए यहाँ पे कौन सा एडहेसिव रिएजेंट उपयोग करेंगे, तो आपके जो ऑप्शन दिए हैं, ग्लिसरीन जेली है, स्टार्च पेस्ट है, मेयर एल्ब्यूमिन है, और ऑप्शन जो
डी वाला है, अब आपका बोथ है एंड भी है, तो आपका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ये आपका मेयर एल्ब्यूमिन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। ज़्यादातर आपका मेयर एल्ब्यूमिन ही उपयोग किया जाता है। इसको क्या करते हैं, जो आपकी ये स्लाइड होती है इस स्लाइड में थोड़ा सा इसे लगा लिया जाता है, उसके बाद में फिर आपका जो स्पेसिमेन है उसको रखा जाता है, फिर उसको आगे के प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्ट्रिकिंग प्रोसेस इज यूज फॉर व्हिच टाइप ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि आपका स्ट्रिकिंग टेक्निक जो होता है ये किस प्रकार के सैंपल के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका इस साइड में दिया हुआ है, मिक्वाइड सिक्रीशन, स्पुटम, गैस्ट्रिक कंटेंट या फिर ऑल ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ये आपका ऑल ऑप्शन जाएगा। सबसे पहले समझिए कि जो आपके स्मेयर होते हैं ये कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, स्मेयर के जो टेक्निक होते हैं ये आप यहाँ पे चार प्रकार से बना सकते हैं। पहला आपका यहाँ पे हो जाता है स्ट्रिकिंग, क्या हो जाता है स्ट्रिकिंग टेक्निक हो जाता है आपका। जो दूसरा हो जाता है आपका स्प्रेडिंग हो जाता है, ठीक है, जिससे आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, स्प्रेडिंग हो जाता है। और जो आपका तीसरा हो जाता है आपका पुल अपार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है पुल अपार्ट हो जाता है। ठीक है, और चौथा एक आपका होता है टच वाला, ठीक है, टच टेक्निक। ठीक, तो चलिए एक एक के बताते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टिकिंग टेक्निक की, तो आप यहाँ पे एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड में क्या करेंगे कुछ इस प्रकार से आप बना देंगे, ठीक है, जिसे स्टिक के नुमा, ठीक, तो आपका क्या कहलाएगा ये स्टिकिंग टेक्निक कहेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप देखेंगे जो कल्चर प्लेट होता है, अगर आपको यहाँ पे कल्चर करना होता है तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं एक प्लेट लेते हैं और प्लेट पे आप कुछ इस प्रकार से कल्चर करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा स्टिकिंग टेक्निक कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम स्प्रेडिंग टेक्निक पे। तो स्प्रेडिंग टेक्निक में कुछ नहीं करना होता है, आप यहाँ पे एक स्लाइड लीजिए और दूसरा आप यहाँ पे क्या लीजिए स्प्रेडर लीजिए। ठीक है, ये भी आपका किससे बना होता है आपका स्लाइड से ही बना होता है। ठीक है, स्प्रेडर लीजिए और यहाँ पे अपना सैंपल रखिए और सैंपल पे क्या करिए इसको 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दीजिए स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने ब्लड का जब स्मेयर बनाया था तो वहाँ पे किया था, तो इस प्रकार से करिए तो उसको क्या कहते हैं स्प्रेडिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं पुल अपार्ट पे। तो पुल अपार्ट में आपको यहाँ पे दो स्लाइड लेना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस स्लाइड पे आपका सैंपल दिया हुआ, तो ये आपका स्लाइड हो जाएगा ए और दूसरा हो जाएगा बी। अब क्या करना है इस स्लाइड पे, ठीक है, इस वाले स्लाइड पे आपको बी वाला स्लाइड रखना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करना है आगे पीछे की तरफ क्या कर देना है स्प्रेड कर देना। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड आप इसको स्प्रेड करेंगे तो आपका यहाँ पे स्मेयर बन जाएगा। ठीक है, इस वाले को आप इधर कर देंगे तो आप इस वाले को क्या कर देंगे इधर कर देंगे। ठीक, तो आपका यहाँ पे स्मेयर बन जाएगा। ठीक है, और टच में क्या करना होता है टचिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टच करके। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न था कि स्टिकिंग टेक्निक किसमें उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे आप तीनों में कर सकते हैं, म्यूकॉइड सिक्रीशन में, स्पुटम में और गैस्ट्रिक कंटेक्ट में, तीनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि स्प्रेडिंग प्रोसेस इज यूज फॉर व्हिच टाइप ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि आपका जो स्प्रेडिंग प्रोसेस है स्प्रेडिंग टेक्निक है इसमें आप किस प्रकार के सैंपल को लेते हैं। ठीक है, स्पुटम, यूरिन, सीरस फ्लूड या फिर वजाइनल सिक्रीशन। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप स्पुटम का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही आएगा, यानी कि जो आप ब्लड का यहाँ पे स्लाइड बनाते हैं उस प्रकार का अगर आपको स्लाइड बनाना है तो आप स्पुटम का बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर यहाँ कह रहा है कि व्हिच मेथड यूज फॉर यूरिनरी सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंट, वजाइनल पूल, ब्रेड सिक्रीशन या फिर सीरस फ्लूड, ETC। अगर आप इसका यहाँ पे स्मेयर बना रहे हैं तो किस प्रकार के टेक्निक का उपयोग करेंगे, स्टिकिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक, पुल अपार्ट टेक्निक या फिर नन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप उपयोग करेंगे पुल अपार्ट टेक्निक का। ठीक है, किसका पुल अपार्ट टेक्निक का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है, हमने आपको बता दिया जो तीनों टेक्निक होते हैं किस प्रकार से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है ईथर एल्कोहल एज ए फिक्सेटिव इज यूज इन रेशियो ऑफ डॉट डॉट एक्सप्लोटिव साइटोलॉजी, यानी कि आपका जो एक्सप्लोटिव साइटोलॉजी होता है इसमें आप ईथर एल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं तो इसका रेशियो क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो रेशियो होगा 1:1 का होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच फिक्सेटिव यूज इन पैप स्टेनिंग, यानी कि कौन सा फिक्सेटिव आपके पैप स्टेनिंग में उपयोग किया जाता है, फार्मलिन, एल्कोहल ईथर या फिर कॉर्नी फ्लूड या फिर बोविन्स फ्लूड। ठीक है, बोविन्स फ्लूड। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका एल्कोहल ईथर का उपयोग किया जाता है। किसका एल्कोहल ईथर का उपयोग किया जाता है, जो कि आप 1:1 के रूप में यहाँ पे आप क्या करते हैं इसको उपयोग करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एल्कोहल ईथर नहीं है तो इसका एक और होता है, ठीक है, क्लर्क, ठीक है, क्लर्क फ्लूड। ठीक है, तो इसका भी उपयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगर हमारा है पर्ल्स प्रूसियन ब्लू रिएक्शन इज यूज फॉर, यानी कि आपका जो पर्ल्स प्रूसियन ब्लू रिएक्शन होता है किसके लिए उपयोग किया जाता है, मसल्स, म्यूसिन, RBC या फिर आपका जो आयरन आयन होते हैं उनके लिए। तो आपका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला आयरन आयन के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला है इन एक्सप्लोटिव साइटोलॉजी व्हिच फिक्सेटिव कॉज श्रिंकेज एंड हेमोलाइजिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी कि आपका जो
जो एक्सक्लूटिव साइटोलॉजी के फिक्सेटिव होते हैं, जो कि आपका कौन सा है जो कि श्रिंकेज और हिमोलाइज का आज करता है आपके आरबीसी का या फिर इथ्रोसाइट का। तो जो ऑप्शन आपका है, अल्कोहल इथर है, कॉर्नेलियस फ्लूड है, फॉर्मल सेलाइन है, बफर्ड फॉर्मालिन है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे जाएगा कौन सा, ये आपका जाएगा यहाँ पे कॉर्नेलियस फ्लूड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट कम्प्लीटली क्लियर बाई जाइलिन, यानी कि इनमें से कौन सा जो टिश्यू है जिसको हम जाइलिन के द्वारा कम्प्लीटली क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा है, ब्रेन है, लंग्स है, लीवर है, हार्ट है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ब्रेन। ब्रेन को हम जाइलिन के द्वारा कम्प्लीटली क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच स्टेन इज यूज फॉर एक्सप्लोटेड सेल्स फॉर डिटेक्ट ऑफ मैग्नीलेंट सेल, यानी कि आप कैंसर सेल को देखना चाहते हैं तो किस प्रकार का स्टेन का उपयोग करेंगे एक्सप्लोटेड सेल के लिए। तो ग्राम स्टेन दिया हुआ है, पास स्टेन, जिम्सा स्टेन या फिर पैप स्टेन। सही आंसर आपका जाएगा पैप स्टेन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी लगाइएगा। और जो आपका यहाँ पे अगला सवाल है ये आपके लिए है। ये प्रश्न कह रहा है कि द कलर ऑफ न्यूक्लियाई इज डॉटेड इन पैप स्टेन, यानी कि आपका जो पैप स्टेन होता है उसमें जो आपका न्यूक्लियाई होता है वो किस प्रकार के कलर को देता है। तो इसका जो आंसर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि आपके जो स्टडी है या फिर आपका जो तैयारी चल रहा है वो कैसा चल रहा है इस पर पता लिया जा सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आया तो इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आप यहाँ पे अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं जो अपना लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे वाले क्लास में। थैंक यू।